वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्प्रिंग डोर बनाने के लिए उसकी स्टफिंग के लिए हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे और गैस पर मीडियम आंच पर रखकर उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें बारी बारी से कटी हुई सब्जियां डालेंगे। पहले हम डालेंगे प्याज, बारीक लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च,
बारीक लंबा पतला पतला कटा हुआ गाजर, आप देख सकते हैं हमने ये बहुत बारीक बारीक और पतला पतला लंबा लंबा काटा काट कर तैयार किया है। और भी डालेंगे हम पत्ता गोभी, ये भी हमने इसी तरीके से काट लिया लंबा लंबा पतला पतला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, थोड़ा सा सिरका, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इन सब्जियों को हमें इस तरह से पकाना है कि गल भी जाए और बिल्कुल मतलब थोड़ा इनमें क्रंची बना हो, भूले नहीं बिल्कुल, सब्जियों को क्रंची रखना है थोड़ा सा। और थोड़ा सा डालेंगे सॉस, और फिर गैस कर देंगे बंद। अगर आपके पास घर में पनीर हो, बच्चों को पनीर पसंद हो, तो आप इसमें थोड़ा पनीर भी काट कर डाल सकते हैं। गैस बंद करने के बाद आप इसमें डालिए बारीक हरी मिर्च कटी हुई, सॉरी गैस बंद करने के बाद आप इसमें हरा प्याज बारीक बारीक कटा हुआ डालिए। और इसे चलाते हुए आप अलग बर्तन में कर लें ताकि ठंडा होने पर हम इसकी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो हमने स्प्रिंग सीट बनाई थी उसमें हम फिर इन्हें भरेंगे बिल्कुल ठंडा होने पर। आप इस तरह से बर्तन लें और छन्नी लें, बड़े छन्नी, और फिर निकालते हैं ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें निकल जाए और हमें स्टफिंग बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें उसके लिए बाइंडिंग की जरूरत होगी, और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा लेंगे मैदा और इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और चुटकी भर नमक। थोड़ा सा गाढ़ा सा हम पेस्ट तैयार करेंगे जो हम स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम स्प्रिंग सीट लेंगे, देखिए देखिए जो हमने छन्नी में
स्टफ में रखी थी, उसका स्टफ है निकल गया है।